हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यशबीज हारमोनी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यशबीज नूनी जूस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि यशबीज नूनी जूस के बारे में तीन टॉपिक पर बात करेंगे। जो कि पहला टॉपिक है कि यशबीज नूनी जूस में ऐसा कौन सी चीज़ मिला करके यशबीज नूनी जूस बनता है। दूसरा, यशबीज नूनी जूस यूज करने से हमें कौन कौन से रोग में फायदा होता है, कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिससे हमें छुटकारा मिल जाता है अगर हम नूनी जूस को यूज करते हैं तो। तीसरा टॉपिक है कि यशबीज नूनी जूस को हम यूज कैसे करेंगे, उसका प्रयोग हमें कैसे करना है। तो दोस्तों, आज हम यशबीज नूनी जूस पे इसी सब विषय पर बात करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आशा है कि आपको यशबीज नूनी जूस के बारे में दोबारा कुछ जानने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम यशबीज नूनी जूस के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारा अगला नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाइए। तो आइए बात करते हैं यशबीज नूनी जूस के बारे में, पहले टॉपिक के बारे में। दोस्तों, हम पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि नूनी जूस में क्या क्या मिला करके नूनी जूस जो है बनाया गया है। तो जो कि आप सब अगर नूनी जूस लेते हैं और उसको देखते हैं तो उसमें साफ अक्षरों में लिखा रहता है, आप भी पढ़ सकते हैं कि नूनी जूस में आखिर क्या मिला करके बनाया गया है। नूनी जूस में जैसे कि नूनी फल मिलाया गया है, जिसको हम मोरिंडा सिट्रोफोलिया के नाम से भी जानते हैं। फिर एलोवेरा मिलाया गया है, तिरकंटू मिलाया गया है, अश्वगंधा मिलाया गया है, फिर ब्रह्मी मिलाया गया है, रसायन चूर्ण मिलाया गया है, ग्रेप्स मिलाया गया है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें दोस्तों मिला करके इस नूनी फल के जूस को जो है नूनी जूस को बनाया गया है। तो दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा इस नूनी फल में जो महत्वपूर्ण रखता है वो नूनी फल रखता है, जिसको आप सब जानते हैं कि मोरिंडा सिट्रोफोलिया के नाम से भी जाना जाता है नूनी फल। और आप सब ये भी जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो दोस्तों जान लीजिए कि क्योंकि नूनी फल में 3,40,000 औरक वैल्यू होता है। जैसे सभी फलों का जो एरोग वैल्यू है वो अलग अलग होता है, तो इसका भी जो एरोग वैल्यू है नूनी फल का वो 3,40,000 एरोग वैल्यू पाया जाता है, जो कि कोई भी फल में इतना औरक वैल्यू नहीं पाया जाता। और साथ में 150 से ज़्यादा न्यूट्रासिट्रिकल इसमें पाए जाते हैं। और साथ में दोस्तों, जो इसमें सबसे अहम भूमिका है, जो कोई फल में नहीं मिलता, वो क्योंकि इसमें इस फल में नोनी फल में डेमनाकेंथल नामक एक द्रव्य पाया जाता है, जिसकी ताकत ये होती है कि शरीर के अंदर कोई भी गांठ हो, कैसा भी कैंसर हो, उसको गला करके बाहर निकाल देता है, उसको नष्ट कर देता है। सिर्फ वो डेमनाकेंथल जो द्रव्य है वो सिर्फ नोनी फल में ही पाया जाता है, जो कि दोस्तों APJ अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा था कि नोनी फल जो है मानव शरीर के लिए अमृत के समान है। तो दोस्तों, वही नोनी फल से तैयार किया हुआ ये नोनी जूस है, जो यशबीज नेटवर्क मार्केटिंग में खुद मैन्युफैक्चरिंग होकर के बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको नूनी फल के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वहां पर हम अगर आप कहेंगे तो हम आपको नूनी फल के बारे में एक पूरा एक वीडियो बना देंगे कि नूनी फल क्या है, कैसे बनता है, कैसे उगता है, सारी चीज़ें डिटेल में बता देंगे। तो आज हम सिर्फ इस नूनी जूस के बारे में बात करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3,40,000 औरक वैल्यू प्लस 150 से ज़्यादा न्यूट्रासिट्रिकल और प्लस डेमनाकेंथल, वो चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। तो यही सब चीज़ें मिला करके इस नूनी जूस को बनाया गया है। तो दोस्तों, अब इसके आगे हम बात करते हैं कि नूनी जूस हमारे शरीर में किस किस रोगों में काम करता है, कौन कौन से ऐसे रोग हैं जिससे हमें छुटकारा दिला देता है। दोस्तों, नूनी जूस हमारे शरीर में लगभग 200 से ज़्यादा बीमारियों में काम करता है, जैसे माइग्रेन की बीमारी हो, डायबिटीज हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, और कैंसर की बीमारी हो, पेट दर्द हो, सर दर्द हो, और ब्रेन ट्यूमर हो, बहुत सारे जोड़ों का दर्द हो, दोस्तों बहुत सारे रोग जो आपके दिमाग में आवे उसमें नूनी जूस आप यूज कर सकते हैं। डायबिटीज में इसका रिजल्ट दोस्तों बहुत ज़ोरदार है, गैस की बीमारी में बहुत ज़ोरदार है, जो जिसको कब्ज होती है, गैस की बीमारी होती है, पाचन शक्ति जिसकी कमज़ोर हो गई है, उनके लिए ये रामबाण है। क्योंकि दोस्तों, आप सब जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें 3,40,000 औरक वैल्यू प्लस 150 से ज़्यादा न्यूट्रासिट्रिकल और प्लस जो है डेमनाकेंथल, ये जब आप इसको पीते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके शरीर में
पूरा घूमने लगते हैं, पूरे शरीर में वर्क करने लगते हैं, और जो कि इसका सबसे मेन काम मानव शरीर में सेल पर काम करना। दोस्तों आदमी बीमार कब होता है, जब उसका सेल डैमेज होता है। जब इंसान का सेल डैमेज होगा तब वो बीमार पड़ जाता है। तो इसका काम यही है कि जो है कि अगर मानव बॉडी में जो सेल डैमेज हो जाते हैं या सेल डीएक्टिवेट हो जाते हैं उनको एक्टिवेट करता है, और जो डैमेज हो जाते हैं उनको रिपेयर करता है, जिससे इंसान की जो उम्र बढ़ने लगती है, आयु बढ़ने लगती है। और इसका जो पूरा काम है वो मानव बॉडी के सेल पर ही काम होता है। तो दोस्तों यही है नोनी जूस का जो फायदा। और दोस्तों बहुत सारे रोग जो आपके दिमाग में आवे, लगभग 200 से ज़्यादा बीमारियों में नोनी जूस काम करता है। कैसी भी माइग्रेन, कैसी भी आपके शरीर में गांठ हो, कैसी भी ब्लॉकेज हो, वो सारे ब्लॉकेज ये खोलने की ताकत रखता है। अगर इसको 3 से 4 महीने अगर कंटिन्यू पी लिया जाए तो हर एक बीमारी से छुटकारा आपको ये दिला सकता है। और डायबिटीज में दोस्तों नंबर एक की दवा है, नंबर एक की ये यसबी नोनी जूस है। अगर कोई कंटिन्यू पीता है उसको जो है अंग्रेजी दवा से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि जिसको डायबिटीज होती है उसकी डायबिटीज कभी ख़त्म नहीं होती और धीरे धीरे वो रेगुलर बढ़ती ही रहती है। पहले वो दवा लेता है, फिर इंसुलिन लेता है, फिर इंजेक्शन लेने लगता है, लेकिन अगर नोनी जूस यूज करता है तो उसकी डायबिटीज धीरे धीरे कंट्रोल हो जाती है और वो कुछ भी खा पी सकता है। दोस्तों डायबिटीज में नोनी जूस दो फॉर्म में बनाया गया है, एक क्लासिक नोनी जूस, एक नोनी जूस विथ एलोवेरा के साथ में। तो ये नोनी जूस एलोवेरा के साथ में है, जो नोनी क्लासिक है। अगर किसी की डायबिटीज 250 से ज़्यादा अगर डायबिटीज रहती है तो उसको जो है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसको नोनी क्लासिक जो है यूज करें। नोनी क्लासिक क्योंकि वो शुगर फ्री है और उसको यूज करने से धीरे धीरे उसका भी डायबिटीज नॉर्मल हो जाएगा। तो दोस्तों ये है नोनी जूस के फायदे और इसके कितने बीमारियों में काम आता है। और दोस्तों अब बात करते हैं इसके आगे कि नोनी जूस को यूज कैसे करना है, इसका प्रयोग कैसे करना है, कैसे इसको पीना है। तो नोनी जूस को यूज करने का जो तरीका है वो, अगर वो आप सुबह उठते ही 2 कप गुनगुने पानी में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, उसको गर्म कर गुनगुना कर लीजिए, ज़्यादा गर्म भी ना होवे, गुनगुना कर लीजिए। गुनगुना करने के बाद 2 कप नाप से 2 कप पानी ले लीजिए, उसके बाद इसको जो है 15 ml मिला करके अच्छी तरह से घोल कर लेवें और धीरे धीरे पिएं। उसके बाद आप जो है दैनिक क्रिया करें। तो और जो बीमार हैं दोस्तों उनको लगभग 30 ml उसको यूज कर सकते हैं, और जो बीमार नहीं है, जो और आगे चल के बीमार नहीं होना चाहते हैं वो 15 ml यूज करें। दोस्तों अगर इसको आप बराबर यूज करते हैं, और खास करके ध्यान रखें कि इसको कांच की गिलास में यूज करें, ना कि स्टील की गिलास में। इसको स्टील की गिलास में बिल्कुल नहीं यूज करें, इसको कांच की गिलास में आप पिए तो ज़्यादा रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो दोस्तों इसका पीने का तरीका यही है, लगभग 90 दिनों तक इसका कंटिन्यू सेवन करने से आपको हर एक बीमारी में निजात मिल जाएगी और आपको रिलैक्स महसूस होगा, और जो दिमागी रूप से जो टेंशन होता है, जो माइग्रेन की बीमारी होती है उससे दूर रहेंगे और कब्ज की बीमारी एकदम दूर रहेगी। तो दोस्तों इसको यूज करने का जो तरीका है वो यही है। तो दोस्तों अगर ये नोनी जूस का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये इस वीडियो को लाइक जरूर कर देवें, और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर यसबीज हारमोनी पर मैं यसबीज रिलेटेड और नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।